हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाईसी क्लासेस बाय डीएस सर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। बाईसी क्लासेस पर जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, न्यू स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करें, ओके। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी ज़रूर देखें, उसके बाद ही इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 जो न्यू बुक आई हुई है उसमें 4.3 दिया हुआ है, ओल्ड बुक में 4.4 एक्सरसाइज दी हुई है, ओके। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। Each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. आपको कंडीशन हमने लिखवाई थी, जब किसी भी इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। चलिए देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 2x² + kx + 3 = 0, ओके। अब देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखना है हमें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है बेटा, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इनका कंपेयरिंग करिए, ऑन कंपेयरिंग करिए बेटा, तो a = कितना आएगा 2, b = कितना आएगा k, c = कितना आएगा 3, यही तो मिलेगा बेटा। अब मालूम है सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, सो या लिखना होगा डी यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ओके। देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, b² - 4ac = 0। अब देखिए b क्या वैल्यू कितना है, k² - 4 * a की वैल्यू कितनी है 2 * c का वैल्यू कितना 3 = 0। k² - 4 * 2 = 8 * 8 = 24 = 0, k² = 24, ओके। अब देखिए बेटा k का वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो k² लिखा हुआ है, k² = 24, तो k + ± √ ले लेते हैं हम, तो 24 का फैक्टर किया 2 * 2 * 3, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में कितना आ गया 2 * 3 = 6, ओके, ये हमारा आंसर होगा, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का सेकेंड पार्ट है बेटा, तो ये देखिए ax² + bx + c का फॉर्म में है नहीं, इसको तो चेंज कर लेते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करिए, kx² - 2kx + 6 = 0, ठीक है। अब इसका कंपेयरिंग किसका, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, ax² + bx + c = 0, तो a = कितना आ गया बेटा k, b = कितना आ गया -2k, c = कितना आ गया 6, c की रिप्लेस देखिए 6 है c की जगह पर। अब आपको क्या करना है, सिंस रूट्स आर इक्वल, ओके, सो इस सिंस का साइन होता है d
टी यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। वैल्यू पुट करिए बी का वैल्यू कितना है माइनस टू के, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए बेटा समझिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, तो बी का वैल्यू कितना माइनस टू के, माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना के और सी का वैल्यू कितना है सिक्स। अब माइनस टू का स्क्वायर किया, टू के का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस टू के इंटू माइनस टू के, तो माइनस माइनस प्लस टू टू या फोर के स्क्वायर। ओके फोर के हमने कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर हो गए आपके। अब आपको मालूम है अलग अलग जब फैक्टर होते हैं इनको हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, देखिए इधर कर देता हूँ मैं। वैन फोर के इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ के इक्वल्स टू कितना आ गया आपका वैल्यू जीरो आ गया। वैन के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल्स टू जीरो प्लस सिक्स, यानी के का वैल्यू कितना आ गया सिक्स, यानी के का वैल्यू आपका आंसर कितना आएगा हैंस के इक्वल्स टू जीरो कॉमा सिक्स, ये दो वैल्यू निकल के आ गई। ओके हमें के का मान निकालना था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया 800 मीटर स्क्वायर। ओके इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन बेटा। अब जो आपका मैंगो ग्रोव है इसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है आपने, क्या दिया हुआ लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी कितना मान लूँ मैं एक्स ले लेता हूँ मैं। ओके अब ये मीटर में है तो मीटर लिख लीजिए। सो द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव क्या होगा बेटा विल बी क्या होगा ट्वाइस यानी टू एक्स मीटर। ओके अब आपको मालूम है एरिया दे रखा है, सो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है। ओके तो एल इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ओके एल कितना है लेंथ कितना है बेटा 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2x² इक्वल्स टू 800 x² इक्वल टू 400। ओके अब देखिए बेटा इसको हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं इसकी, तो क्या लिख सकते हैं 1x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस यहाँ पर लिख दीजिएगा 400 इक्वल टू 0। ओके दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए हियर a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0 c इक्वल्स टू माइनस 400। ओके अब देखिए उसने ये पूछा है कि हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ, तो इट इज़ पॉसिबल बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो हम देखते हैं d का वैल्यू निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के देखते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके तो b का वैल्यू कितना है जीरो, b का वैल्यू कितना है तुम्हारा जीरो। ओके स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस का 400। ओके तो इसको सॉल्व करिए तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 जा 1600। अब देखिए d का वैल्यू क्या है d इज़ ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू है तो इज़ ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव यानी रियल रूट्स होंगे इसके,
रूट्स कैसे होंगे, रियल यहाँ पर लिखना होगा, हेंस हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब आपको मालूम जब रियल रूट्स होंगे तो इट इज़ पॉसिबल। ओके, क्या लिख देंगे हम, सो मैंगो ग्रो कैन बी पॉसिबल। ओके, कैन बी डिज़ाइन पॉसिबल। ओके, ये पूछा हुआ था। अब इसको डिज़ाइन कर सकते हैं हम, सो लेंथ ऑफ, क्या पूछा है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव, लेंथ क्या होगी बेटा, 2x, कितनी होगी 2x। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, चलिए देखते हैं। अब देखिए बेटा, x की वैल्यू यहाँ से अगर निकालते हैं प्लस माइनस 400 यानी प्लस माइनस 20, तो लेंथ कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, 2 × 20, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, तो कितना आ गया 40 मीटर। ये तो हो गई लेंथ एंड ब्रेथ, एंड ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यह क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अदरवाइज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।